सब्सक्राइब कीजिए थिंक लीडर चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग एसर के लैपटॉप की, जिसका मॉडल है E5575। और बेसिकली ये मैंने ऑनलाइन नहीं ख़रीदा है, तो ये मैंने शोरूम से ही ख़रीदा है, लोकल मार्केट से ही ख़रीदा है। तो दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स की पैकिंग में है। बेसिकली ये आपको, अगर आप ऑनलाइन भी ख़रीदेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। पर और ये मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये लैपटॉप ऑनलाइन क्यों नहीं परचेज़ करा, तो वो भी आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपके पास, अगर आप ऑनलाइन मंगाते भी हैं तो आपको ऐसा ही बॉक्स एक डिलीवर होगा। तो बेसिकली इसको मैंने अनबॉक्स करा हुआ है, तो पहले एक बार मैंने चेक कर लिया है, तो मैं इसको दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन मंगाते भी हैं तो आपको ये कैसा मिलेगा। तो बेसिकली आप इसको सील को ओपन कर लीजिए निकाल के, और इसका मैं आपको दिखाऊं। इसमें आपको सबसे पहले इसका यूज़र मैनुअल मिल जाएगा। ऊपर बेसिकली आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी यूज़र गाइड, सेटअप गाइड होगा। इसमें आप देख सकते हैं, ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाता है इसकी। बेसिकली ये देख सकते हैं, स्टेप वन स्टेप टू। और इसमें आपको ये मॉडल है E575, तो इसमें आपको बेसिकली विंडोज़ नहीं मिलेंगी प्री इंस्टॉल। आप अगर चाहें तो ऑफलाइन आप अपने शोरूम से ख़रीदते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं, आपको उनको जेन्युइन विंडो डाल के दे देंगे, पर उसका चार्ज एक्स्ट्रा लेंगे। बट ऑनलाइन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा करने का। और अगर आप नहीं भी करवाते हैं जेन्युइन विंडो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको एक यूज़ सोर्स रिसोर्स सीडी ज़रूर मिलेगी, जिसके थ्रू आप सभी ड्राइवर्स होंगे, और जो विंडोज़ 10 जो लेटेस्ट विंडो है, विंडोज़ 10, उसके सभी ड्राइवर्स को सपोर्ट करेगा। तो बेसिकली इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बताऊँगा डिटेल्स में, और इसकी बिल्ड क्वालिटी से लेकर इसका यूज़ करने का सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसकी प्रोसेसिंग क्या है, सब कुछ बताऊंगा आपको मैं। और बेसिकली ऑनलाइन फंडा इसका क्या चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे आपको पता ही होगा कि आपने ये मॉडल आप देख भी लेंगे तो आप उसमें सिर्फ आपको ये मॉडल फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल मिलेगा। उसके पीछे इसका रीज़न क्या है, उसका सारा मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो आइए पहले इसको देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका यूज़र मैनुअल साइड में रखने के बाद आपको ये एक अंदर इसकी पैकिंग मिलती है। बेसिकली इतनी अच्छी पैकिंग मैं कहूँगा नहीं है, एवरेज पैकिंग है, बट हमें पैकिंग से कोई मतलब नहीं, हमें तो इसकी बेसिक प्रोडक्ट से मतलब है। तो आइए इसको हम देखते हैं। साइड में इसका देख सकते हैं, जैसे कि हम इसकी पावर कोर्ड्स वगैरह होंगी, और जैसे कि आपको मैं दिखाऊँ, ये जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी पावर कोर्ड्स वगैरह हैं। तो ये देख सकते हैं अब इसकी पावर कोड है, और बाकी इसका ये अडाप्टर वगैरह आपको साइड में इसका मिल जाएगा, जैसे कि अभी देख सकते हैं। ठीक है, ये छोटा है, बट आपको मैं बता दूं कि छोटा क्यों है ये, और इसका क्योंकि करंट ही ज़्यादा नहीं लेते हैं आजकल के अडाप्टर, बिल्कुल इनको माइक्रो करते जा रहे हैं हर एक चीज़ को, तो लोग सोचते हैं बट छोटा सा होगा, ये क्या चार्ज करके देगा। बट आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं इसको। तो बेसिकली इसको साइड पर रखते हैं, तो हम अब देखेंगे इसका बेसिक लैपटॉप। ये आपको साइड से इसमें मिल जाते हैं इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसको साइड पे रखते हैं हम, और बेसिकली इस डब्बे को भी साइड में रखेंगे। बट हम पहले देखेंगे इसमें और क्या क्या आपको मिलेगा। इसमें आपको मिलता है एसर की तरफ से इसका वारंटी कार्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा सील है, इसको अभी तक मैंने नहीं खोला है। आपको इंटरनेशनल ट्रैवल वारंटी मिल जाती है इसके ऊपर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको नहीं खोला है, तो ये वारंटी कार्ड होगा आपका, इसको हम बाद में देखते हैं। और इसमें आपको मिल जाएगी एक रिसोर्स सीडी एसर की तरफ से E575 मॉडल की। इसमें सभी ड्राइवर्स की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, जैसे कि आपको लैंड ड्राइवर हो गए, साउंड ड्राइवर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो करिए, ग्राफिक के ड्राइवर मिल जाएंगे आपको इसमें, और कैमरे के भी आपको इसमें, वेबकैम के जो होता है उसके भी ड्राइवर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो बेसिकली इसमें आपको ये डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, ये सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग के टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है इस बोर्ड में, तो ये भी बिल्कुल सील है, इसको मैंने अभी तक नहीं खोला है। और इसमें आपको जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मिलता है, आप चाहे तो उसको वीडियो पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बॉक्स को हम रखते हैं साइड में। अब आते हैं हम लैपटॉप के ऊपर। तो लैपटॉप बेसिकली आपको बता दें, लैपटॉप आपको ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा ऐसी पैकिंग में। तो इसको हम निकाल लेते हैं, जस्ट ये कवर सा है इसका, इसका कवर के अंदर इसका
लैपटॉप है, लैपटॉप को हम निकालेंगे और आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको बस यही मैट फिनिश वाला कलर आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, और ऑफ ऑनलाइन भी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। और इसका इस तरह का लुक आप साइड पे देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मीडियम में रखा हुआ है। और इसकी जो मैट फिनिश है दोस्तों वो काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसको हम अगर स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। इसको हम ओपन करेंगे जैसे, तो इसके अंदर आपको बेसिकली इसमें एक और आपको ये कवर सा मिलेगा इसके ऊपर रखा हुआ, इसको आप साइड में कर दीजिए। उसके बाद हम इसको बूट करेंगे। मैंने इसमें विंडोज़ डलवाई है और इसमें जेन्युइन विंडोज़ जैसे कि मैंने बताया मैंने नहीं लिया है, तो हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे। काफ़ी बिल्ड क्वालिटी, अगर आपको मैं साइड से दिखाऊं इसके, ये देखिए इसका बॉटम काफ़ी, ये हीट निकलने के लिए ये बना है और हवा लेने के लिए बना है बेसिकली। और इसका साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कार्ड रीडर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पे कार्ड रीडर के लिए है। और ये टोटली मैट फिनिश है नीचे से ऊपर तक, सब कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी क्वालिटी है, इतनी बुरी नहीं है। और यहाँ की साइड पोर्ट आप जो देख सकते हैं ये वाली, ये बेसिकली 3.0 आपको मिल जाएंगी पोर्ट इसकी, ये 3.0 है। इसमें HDMI पोर्ट है मिलाएगा आपको, एक VGA पोर्ट मिल जाएगा, ये रहा आपका RJ45 कनेक्टर के लिए, और सी टाइप रिवर्सेबल भी आपको पोर्ट मिल जाती है इसमें। और हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका फ़ैन, CPU की फ़ैन की निकलने के लिए बना हुआ है, जहाँ पे इसका फ़ैन लगा होगा जहाँ से ये इसकी एयर निकलेगी। और यहाँ पे आप इस सिर का लोगो देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा शाइनी सा लोगो है। और इसकी जो हिंज की क्वालिटीज़ हैं वो भी बहुत मच बेटर हैं, जैसे कि पुराने लैपटॉप्स में देखा जाता था एसर की जो हिंज की प्रॉब्लम आती थी, काफ़ी हिलता था, ये वैसा वैसा लैपटॉप नहीं है। ये काफ़ी आप इसको लैप में बैठ के भी आराम से चला सकते हैं। और इसके साइड प्रोफाइल पे देखें हम, जो राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे बेसिकली एक 3.5 mm जैक का आपको स्लॉट मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद आपको यहाँ पे इसका एक 2.0 कि आपको ब्लूटूथ, सॉरी वी अपनी आपको मिलेगा, यहाँ पे USB पोर्ट मिल जाएगा 2.0 का होगा, बाकी दूसरी तरफ आपको टू पोर्ट्स मिलेंगे जिनकी 3.0 होगी। और DVD राइटर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मिल जाएगा आपको। और इसका यहाँ से पावर स्लॉट इसका लगेगा, यहाँ से आप चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं। तो बेसिकली आपको मैं दिखाऊं तो काफ़ी ये अल्ट्रा थिन लैपटॉप है, काफ़ी बड़ा मतलब कि मोटा नहीं है, काफ़ी थिन देख सकते हैं, ये देखिए इसका काफ़ी स्लिम सा लैपटॉप है। और इसकी स्लाइड से आपको मैं दिखाऊं, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बहुत ही स्लिम, इसकी LCD स्क्रीन भी है और हिंज की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बेटर है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे देखें कीबोर्ड की क्वालिटी, अब मैं बात करूँ बहुत इम्प्रूव्ड क्वालिटी है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका जो मैंने इसको देखा है यहाँ पे। तो बेसिकली इसकी जो कीज़ की बात करें, सभी कुछ आपको यहाँ पे नीट एंड क्लीन आपको मिलेगा। पावर का स्लॉट अब देखेंगे तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा ऊपर, पावर की यहाँ पे मिलेगी आपको कीबोर्ड में ही। और ये सारा फ्रंट आपका एक में ही आता है, एक मॉड्यूल होता है सारा उसमें ही होता है। यहाँ पे आपको इंटेल इनसाइड की मिल जाएगी, जो कि ये मैं आपको बताऊँ इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देंगे आपको बाद में, पर जो इंटेल आई मैंने ये लिया है मॉडल, इंटेल कोर i5 7th जनरेशन का लैपटॉप है। इस मॉडल में मतलब कि इस प्राइस में आपको जो मैं बताने लगूँ बताऊँगा बाद में, इस प्राइस में तो आपको कहीं पर भी पूरी मार्केट में आज की डेट में नहीं मिलेगा। और अगर आप लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हैं ना दोस्तों, तो इस मंथ आप ले लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से 1 जुलाई 2070 से GST का इम्पैक्ट होगा और ये इम्प्लीमेंट होगा। तो आपको बेसिक वैल्यू के ऊपर आप जैसे आप 5% आपकी स्टेट में टैक्स होगा या वैट लगता है, वो बढ़ के GST 18% तक चला जाएगा, जो उसकी रेट 4 से 5 हज़ार के बीच में ऊपर बढ़ सकता है लैपटॉप। तो आपको अगर लैपटॉप परचेस करना तो आपका सही टाइम है, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा मार्केट में। आपको मैं यही कहूँगा कि आप ऑफलाइन मार्केट से ज़रूर खरीदें, ऑनलाइन मार्केट खरीदने का आपको क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा। आते हैं हम माउस पैड पर, माउस पैड की जो फिनिश दोस्तों दे रखी है वो काफ़ी बहुत नीट एंड क्लीन, और क्रोम इसमें क्रोम का यूज़ करा है इन्होंने लास्ट में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिश मिलेगी, जैसे कि मैं आपको डीपली दिखाऊंगा यहाँ से, ये देखिए हल्की सी क्रोमिंग की इन्होंने जो दी है इसमें, ये माउस टच पैड में चार चांद लगा दिए हैं। तो अब आते हैं हम इसकी स्पेसिफिकेशंस पे, जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले कि इसका जो प्रोसेसर है वो कोर i5 7th जनरेशन का है। और बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो रैम है वो है DDR4,
और रिवर्सिबल सी टाइप कनेक्टर आपको मिल जाएगा, वायरलेस अल्ट्रा स्पीड मिल जाएगी। तो बेसिकली इसमें आपको इस मॉडल के साथ जो आती है, ये मॉडल आपको ऑनलाइन एसर की ऑफिशियल साइट पे क्यों नहीं दिखता था, क्योंकि ये आपको वहाँ पे E575 जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती थी वो थी कि कोर i5 7th जनरेशन प्रोसेसर, 1 TB हार्ड डिस्क के साथ, 4GB DDR4 रैम। ये देख के आप फ्लिपकार्ट में जाते थे, वहाँ पे आपको 8 GB मिलती थी। तो बेसिकली मैंने ऑफलाइन मार्केट में जब मैं लोकल परचेज में गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आप भी हमसे एक्सटेंड करवा सकते हैं, ये एक्सटेंड की ही खेल है और कुछ नहीं है। ये मार्केट में एक ऑनलाइन मार्केट में एक तहलका सा मचा रखा कि एक ही प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन क्यों मिल रहा है। वो बेसिकली पीछे से नहीं आता है, वो फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से एक्सटेंड करके दे रही है। यही मार्केट में अगर आपको लेने जाना हो 4 GB रैम के साथ, 34,500 रुपये का आपको मिल जाएगा, 34,500 रुपीज़ का ये लैपटॉप आपको मार्केट में मिलेगा, जो कि और ब्रांड में आपको 55 से 60,000 तक पे करने पड़ सकते हैं। हाँ ये मैं मानता हूँ इसमें जेनुइन विंडो आपको नहीं मिलेगी, अगर डलवाना चाहते हैं तो आपको 42-43 राउंड राउंड अबाउट जाएगा। बट ये मॉडल मैंने बेसिकली कोर i5 7 इस सर का E575 मॉडल मैंने 8 GB रैम के साथ लिया है। 4 GB इसमें डेडिकेटेड आती है, लगी लगाई आती है, स्लॉट है, बेसिकली दो स्लॉट्स हैं जो पीछे से देते हैं, वो 4 GB है। मैंने 4 GB एक्सटेंड करवाई है, जिसके मैंने 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए हैं। DDR4 मेमोरी आपको मिलेगी जो कि 2400 MHz पे रन करती है। तो बेसिकली दोस्तों ये सब फंडा है आपको उलझाने का। आप ऑफलाइन मार्केट में ज़रूर खरीदिए, ऑनलाइन मार्केट में आपको इसके साथ बैग भी नहीं मिलेगा, मुझे इसके साथ बैग भी मिला है, और इसके साथ उन्होंने फ्री एंटीवायरस दिया है, जो ऑनलाइन मैंने रजिस्टर करवा के फ्री 1 ईयर का लाइसेंस एंटीवायरस उन्होंने दिया है। ऐसी सर्विसेज आपको ऑनलाइन आपको देख नहीं मिलेंगी। तो बेसिकली ये आपको ऑफलाइन खरीदने का फ़ायदा होता है। तो आप इसको स्टार्ट करेंगे, जो उसकी बूट मैं आपको करके बताऊँगा, बूट काफ़ी फास्ट होता है इसमें। जैसे कि मैंने प्रेस प्रेस करा, जैसे कि आपको मैं बताऊँ, मैंने विंडोज़ इसमें 10 डलवा ली है ऑफलाइन, और इसमें बेसिकली मैंने जेन्युइन नहीं डलवाई है, और ये बस एक क्रैक वर्जन है। बट इसमें जो बूट की स्पीड आपको बताऊं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बूट हो चुका है, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके बताऊंगा। ये देखिए दोस्तों इसकी क्वालिटी देखिए आप, स्क्रीन की बहुत ही मज़ेदार क्वालिटी है, और मैं कहूँगा इस प्राइस में आपको ये लैपटॉप आज की डेट में तो क्या मिल ही नहीं सकता 1 साल के अंदर भी। ये मैंने लैपटॉप बेसिकली 37,000 में मिल लिया है, और इनका एक ऑफ़र चल रहा है जो कि आप 1 साल 2 साल के लिए एक्सटेंड वारंटी करा सकते हैं सिर्फ 1,150 रुपये दे के। वो आपको ऑनलाइन ही रजिस्टर करानी पड़ती है 7 दिन के अंदर परचेजिंग के बाद, और आप इसको करवा दीजिए और आप इसको इस यूज़ करें, मैं कहता हूँ आपको मज़ा आ जाएगा। जो इसमें जो रैम है DDR4 रैम है, और आपको 2 GB का ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड मिलता है, इंटेल HD का है, 620 का ग्राफिक कार्ड मिलता है आपको, तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है मैं तो कहता हूँ इस प्राइस में। ये 37,000 में आपको ये होल पैकेज मिल रहा है। आप इसको चाहे तो 4 GB रैम के साथ ले सकते हैं, आपकी 34,500 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, साथ में आपको बैग भी मिलेगा। बैग की क्वालिटी में अगर आपको दिखाऊं तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं बैग की क्वालिटी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो इसको मैं लैपटॉप साइड में रखता हूँ एक बारी ताकि आराम से मैं दिखा सकूं। ये देखिए एसर का ब्रांड ब्रांडिंग आपको मिल जाती है यहाँ। ये देखिए एसर का ब्रांड, ये ग्रीनिश लुक में है, काफ़ी अच्छा सा है ब्लैक का। और ये देखिए इसके बैक साइड पे भी पॉकेट्स हैं, यहाँ पे आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं आप इसको, और इसकी कुशनिंग के लिए साइड में बिल्कुल अच्छा दिया हुआ है। और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ बैक पे भी आपको एसर का लोगो मिल जाएगा, और इसमें आपको चार्जिंग या अडाप्टर्स के लिए यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अपना सारा सामान रख सकते हैं। और ये आपको दिखा दूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रख सकते हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे इस जगह पे आप डॉक्यूमेंट्स रख पाएंगे, और इस जगह पे आप कुछ और रख लीजिए, और बेसिकली आपका लैपटॉप आएगा यहाँ पे इसके अंदर। और ये लूप सा जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आप लगा सकते हैं, और आपका लैपटॉप इसके अंदर सेफ रहेगा। काफ़ी अच्छा बैग है, मार्केट में ये भी लेने जाएंगे तो आपको 1,000-1,200 रुपये का तो ये भी मिलेगा। तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपको ऑफलाइन मिल जाएगा, ये आपको फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन नहीं मिलेगा आपको। इसके साथ 37,000 का आपको ये ऑनलाइन मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे, बट आपको उसके साथ एसेसरीज आपको ऐसी नहीं मिल रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उसको ज़रूर जाएँ और ऑल ऑफलाइन जाके लोकल मार्केट से ही परचेज़ करें, जाके आपको वहाँ पर काफ़ी
अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में आपको इसका सारा रिव्यू करके बताऊंगा, इसकी गेमिंग रिव्यू भी आपको मिलेंगे, इसमें हम GTA 5 जैसी गेम चलाएंगे और NFS जैसी गेम्स प्ले करके देखेंगे, जो हाई एंड गेमिंग्स हैं 8 GB रैम पे वो कैसे परफॉर्मेंस देती हैं, और 2 GB 620 ग्राफिक कार्ड के जो डेडिकेटेड है इसकी ग्राफिक मेमोरी है उसके साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका दोस्तों प्यार की बहुत ज़रूरत है हमारे चैनल को, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।